बियो केड़ोला से विंजो, तो आज के गेम प्ले में ट्रिपल थ्रेट फाइट करने वाले एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स। तो जो भी जीतेगा भाई वो रोमन को फेस करेगा। नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकता है या इसमें भी कर सकता है, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर इसमें करेगा तो आपको पता ही लग जाएगा। और अगर इस वाली वीडियो में विनर फेस नहीं करता है रोमन रेस को, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेगा WWE चैंपियनशिप के लिए। तो फटाफट गेम प्ले को स्टार्ट करिए, ट्रिपल थ्रेट फाइट सिलेक्ट करते हैं, रूल्स में हम TLC मैच करते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अरीना हम रॉयल रंबल, क्योंकि अब रॉयल रंबल आने वाला है, कन्फर्म करते हैं इसको फटाफट गेम प्ले को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम रैंडी ऑर्टन ले लेते हैं। और दूसरे नंबर पे एजे स्टाइल्स, और थर्ड नंबर पे LA नाइट। और मैं सोच रहा हूँ यार टाइटल मैच तो नहीं है, लेकिन ये एंट्रेंस ऑन रखे या ऑफ रखे, एंट्रेंस ऑन रखते हैं इस बार। ठीक है, गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई अगर नए हो तो। अच्छा, ये चेस्ट के नीचे मार्क कैसा है रैंडी ऑर्टन के, आप लोगों ने नोटिस किया क्या? हो सकता है मेरा ही वहम हो। और यार अगर आपको WWE की, चलो एंट्रेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कहने वाला था। अच्छा, रैंडी ऑर्टन को द लेजेंड किलर भी कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? कि रैंडी ऑर्टन ने उन चैंपियंस को हराया जिन्हें अच्छे अच्छे नहीं हरा पाए, मतलब लेजेंड्स को हराया रैंडी ऑर्टन ने, तो इसलिए रैंडी ऑर्टन को वाइपर लेजेंड किलर कहा जाता है। वाइपर तो कहा ही जाता है, लेजेंड किलर भी कहा जाता है साथ साथ। तो अगर ये फाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली ना, तो हो सकता है कि विनर इसी फाइट में रोमन रेस को फेस करेगा। और रोमन रेस से जो भी फाइट होगी वो या तो भाई फॉल्स काउंट एनीवेयर कर सकते हैं, या वाली फाइट करते हैं जिसमें रेफरी 10 तक गिनता है और जो नहीं उठा वो हारेगा। क्योंकि नॉर्मल अगर एलिमिनेशन की फाइट रखेंगे ना, तो भाई पक्का तो रोमन ही जीतने वाला है, क्योंकि रोमन की 2-3 स्पीय लगने के बाद काम तमाम हो जाएगा। अच्छा, WWE में अच्छे प्लेयर्स की कमी होने लगी, इसलिए WWE जो उसके बचे को जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको वापसी ला रही है। जैसे अभी रॉक को बुलाया है, एजे स्टाइल्स को वापसी लेके आए हैं, ऑर्टन को लेके आए हैं, क्योंकि रोमन को हराने के लिए कोई अच्छा अपोनेंट की ज़रूरत थी उन्हें। अब तक रॉक भी जीत सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट फाइट में अगर हम ट्रिपल थ्रेट फाइट कर लें, मतलब रोमन रेस इन तीनों में से जीतेगा वो और द रॉक WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो कैसा रहेगा यार कमेंट करके बताना मुझे। Calls himself
the megastar. Well, he won't be one of those in the fashion world, but अच्छा LA Knight का हो सकता है म्यूजिक ऑफ हो क्योंकि अभी तो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगा ना YouTube पे तो हो सकता है YouTube वाले कॉपीराइट के चक्कर में ऑफ कर दे, तो अगर म्यूजिक ऑफ हो तो समझ जाना कि कॉपीराइट के चक्कर में ही ऑफ हुआ है। अच्छा LA Knight WWE का अच्छा अपराइजिंग सुपरस्टार मिला है, जिसे मेगा स्टार भी कहते हैं WWE में, अच्छा प्लेयर भी है और अच्छा खेलता भी है भाई। और रिसेंटली आपने फाइट देखी जहां पे LA Knight AJ Styles और एंडी ऑर्टन ने ब्लड लाइन को धोया था और रोमन को ये बोल के भेजा था कि भाई अब वक्त आ गया है कि ब्लड लाइन का ख़त्म होने का, और भाई तीनों में से मुझे लगता ना कि ऑर्टन बाजी मार सकता है क्योंकि ऑर्टन ज़्यादा तेज है, अभी देखो किसी के पास फिनिशर नहीं है, तो मैंने फाइट को बिल्कुल रॉ रखा है, मतलब जैसे WWE में होती है किसी के पास कोई भी फिनिशर नहीं है तो सबको अपना अपना फिनिशर बनाना पड़ेगा, तो अभी तो शुरुआत हुई है, ऑर्टन अभी से झूलने लगे भाई इतनी जल्दी ऑर्टन झूलने की क्या जरूरत है। और AJ Styles नीचे गए तो ये TLC मैच है, टेबल्स लीडर्स एंड लैडर्स एंड चेयर्स मैच, तो ये मैं आप सभी को बता दूं AJ Styles किसको बुला रहा हो भाई, AJ Styles नीचे स्टाइल मारे पड़े और ऑर्टन ले आए कुर्सी, भाई साहब ऑर्टन कुर्सी ले आए, किसको पीटने वाले हैं LA Knight की बारी, ऑर्टन जल्दी मेलो ना भाई साहब, ऑर्टन की उल्टी पड़ गई, मतलब ऑर्टन कुर्सी लेके आप मारने के लिए ऑर्टन के खुद को उल्टी पड़ गई। और AJ Styles भी अच्छा भाई फिनिशर लगाने में, AJ Styles भी दे दे, एक तो स्टाइल्स क्लैश ऑफ फिनोमिनल फोरआर्म है ना, वो उसमें एक ही रिवर्सल है तो ये बात अच्छी है, जैसे RKO में है, RKO में एक रिवर्सल है, LA Knight में भी कि फिनिशर में भी एक ही रिवर्सल है, LA Knight सुप्लेक्स लगा दी बढ़िया, और ऑर्टन अभी से ही केस लेने की जल्दी में, भाई ऑर्टन थोड़ा मारपीट रो, इतनी जल्दी केस तो मिलने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ऑर्टन भाई LA Knight क्या कर रहा है, ऑर्टन चढ़ गए केस लेने के लिए, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना भाई, वैसे तो आप सभी को पता होगा क्योंकि WWE 2K23 की वीडियोज आप देखते ही रहते हैं, तो ये जब 5 बार है जो ग्रीन हो जाएंगे तभी केस उतर पाएगा, तो ऑर्टन तो इतनी जल्दी केस के लिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा यार दोनों को मार पीट लो उसके बाद ही केस के लिए जाओ तो ज़्यादा बढ़िया। ऑर्टन फिर से, ऑर्टन को बहुत जल्दी केस के लिए भाई, ये जिस स्ट्रेच को नीचे गिरा दिया ऑर्टन, बढ़िया बढ़िया ऑर्टन, ओ भाई साहब सीढ़ी गिरा दी और पावर बॉम्ब लगा दिया है LA Knight ने, LA Knight की बॉडी येलो हो चुकी है, बढ़िया बढ़िया, और अब ऑर्टन झूल भी गए और AJ Styles LA Knight के पीछे ही पड़े हुए, LA Knight ने रिवर्स कर दिया, बढ़िया बढ़िया भाई, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा मारपीट लो ऑर्टन, उसके बाद ही केस के लिए जाओ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, बढ़िया बढ़िया सुप्लेक्स, ऑर्टन ऐसे ही जाना है और अभी किसी के पास कोई भी फिनिशर नहीं है, और LA Knight चढ़ गए लेकिन ऑर्टन ने पीछे, ओ भाई साहब पीछे से गिरा दिया LA Knight ने ऑर्टन को, केस अटक गया, अटक चुका कुंडे में, और भाई बहुत ऊपर से गिरा और कुर्सीढ़ी भी ऊपर गिर गई LA Knight, LA Knight की बॉडी रेड हो चुकी है भाई, सबसे ज़्यादा LA Knight पिटाएगा AJ Styles, ऑर्टन बिल्कुल भी नहीं पिटे, अच्छा पिटे तो है थोड़ा थोड़ा लेकिन कोई बॉडी पार्ट डैमेज नहीं हुआ, ये नॉर्मल मूव लगाया, हाँ ये अच्छा LA Knight के पास सिग्नेचर आ चुका, बढ़िया बना LA Knight पिटा भी ज़्यादा और सिग्नेचर भी आ चुका, ऑर्टन केस यहाँ से उतरेगा क्या, अच्छा केस आ गया हाथ में, और AJ Styles रुक जाए LA Knight, रुक जाए LA Knight, ऑर्टन को लेके कूदेगा AJ Styles ऊपर से, ये बिल्कुल भी LA Knight में सबर नहीं है भाई, सीढ़ी के ऊपर से पावर बॉम्ब, LA Knight सिग्नेचर के लिए जाएगा क्या, नहीं 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 LA Knight AJ Styles के पास भी गए और फिर से ऑर्टन फिर से सीढ़ी में चढ़ चुके, AJ Styles को भी उठा के पटक दिया LA Knight, क्या कर रहा है, फिर से ऑर्टन के पास जाएगा ये भाई, केस ले जाएगा और ऑर्टन ले जाएगा केस, ये फिर से चढ़ के पावर बॉम्ब लगाने वाला है मुझे लग रहा है, या सीढ़ी गिराएगा, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, बढ़िया आप सीढ़ी हटा दो, बलाई खत्म करो बवाल ही खत्म करो भाई, सीढ़ी जब तक लगी थी हर कोई, ऑर्टन लटक गए ऊपर, ऑर्टन को कोई उतारो, और AJ Styles ने मौका मार दिया, ऑर्टन को मारने का मौका AJ Styles छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, बढ़िया भाई बढ़िया, सीढ़ी लगी थी क्या, कमाल का गेम प्ले चल रहा था, मजा आ रहा था,
नीचे दोनों लड़ रहे हैं, एजी स्टाइल्स और ऑर्टन, ऊपर एले नाइट केस लेने पे लगा वो भाई। अरे ले गया केस, एजी स्टाइल्स पहुंचने वाले, एजी ऑर्टन तो अभी भी नहीं जा रहा भाई। देख लो चैंपियनशिप का सवाल है, और एजी स्टाइल्स को छोड़ दो, ऑर्टन वो मार तो रहा है, बढ़िया मार तो रहा है, और दोनों भाई दोनों भी लटक जाएंगे। ऑर्टन ने सीढ़ी हटाई, दोनों ही गिर गए। मतलब गजब मैच चल रहा है, एजी स्टाइल्स और ऑर्टन दोनों की बॉडी ऑरेंज हो चुकी है, और एले नाइट के पास फिनिशर आने वाला है, तीनों के पास ही फिनिशर ऑलमोस्ट आने ही वाला है, पर एले नाइट और रैंडी ऑर्टन के पास सिग्नेचर आ चुका भाई। दोनों नीचे लड़ने में बिजी है, केस एक बार को गया भी होगा जैसा लग रहा था, और एजी स्टाइल ले गया, ऑर्टन आ चुके हैं, ऑर्टन सीढ़ी हटाओ नहीं तो एजी स्टाइल ले गया किल। नहीं नहीं नहीं, अब ये जिस भाई लास्ट वाला बार बचा है, केवल ग्रीन वाला वो लास्ट बार बचा है, उसके बाद नहीं कुछ बचना, लास्ट बार बचा, और सीढ़ी भाई साहब लगा दिए कॉर्नर पे, ये ऑर्टन पे उल्टी ही ना पड़ जाए, और सिग्नेचर लगा दिया रैंडी ऑर्टन को। ऑर्टन की टैप करने से भी कुछ नहीं होगा भाई, जीतेगा वही जो केस उतारेगा, और लग रहा है एले नाइट मार गया बाजी, एले नाइट मार गया बाजी भाई, ध्यान नहीं दे रहे ये लोग, एले नाइट मार गया बाजी, एले नाइट ये। मेरे चैनल की पहली वीडियो है जो बिना फिनिशर के खत्म हो गई, मतलब एक भी फिनिशर, एक सिग्नेचर लगा वो भी एले नाइट ने, उसको एजी स्टाइल्स ने लगाया ऑर्टन को। और गेम प्ले मजा आया तो भाई लाइक कर देना, और अगर नो कमेंट्री गेमिंग वीडियोस पसंद है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट फाइट में भाई रोमन रेंस से सामना होगा एलए नाइट का, या फिर हम ट्रिपल थ्रेट फाइट भी कर सकते हैं, द रॉक वर्सेज एलए नाइट वर्सेज रोमन रेंस। तो जो भी फाइट आप देखना चाहें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।